हैं, कोरोना को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब यूपी के सभी जिले लॉकडाउन रहेंगे और अधिकतर लोग घरों में ही रहें। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ देश की जो लड़ाई है, इसमें सबको सहभागी बनाने की दृष्टि से देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस लड़ाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं, दैनिक जो श्रमिक हैं, जिसने अब दिहाड़ी मजदूरी मजदूर कहते हैं, इन सब के लिए प्रदेश सरकार ने भरण पोषण भत्ते की व्यवस्था प्रदेश के अंदर की है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि श्रम विभाग आज 20 लाख से अधिक जो श्रमिक हैं, जो निर्माण श्रमिक हैं, उन सबको 1,000 रुपये की पहली किस्त आज जारी कर रहा है। इसके साथ ही नगर विकास को इस बात के लिए अधिकृत किया गया है कि जो प्रतिदिन लगाने वाले मजदूर हैं, खासतौर पर रेहड़ी ठेला खोमचा रिक्शा ई रिक्शा और पल्लेदार हैं, इन सब को भी आज से व्यवस्था की जा रही है कि उन्हें भी पहली किस्त के रूप में 1,000 रुपये का भरण पोषण का भत्ता हम तत्काल रूप से उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। समाज कल्याण विभाग के द्वारा प्रदेश के अंदर खासतौर पर अंत्योदय के राशन कार्ड धारक है, निराश्रित वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, निर्माण श्रमिक और प्रतिदिन कमाने वाले जो भी ऐसे लोग हैं, इन सभी लोगों को 1 माह का निःशुल्क राशन, जिसमें 20 किलो गेहूं 15 किलो चावल की व्यवस्था उन सब के लिए की जा रही है, यह हम अनिवार्य रूप से उन्हें उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम का शुभारंभ आज हो रहा है। मैं श्रम विभाग को निर्माण श्रमिकों के हितों के लिए इस भरण पोषण भत्ता को तत्काल रूप से जारी करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। इलाहाबाद बैंक के महाप्रबंधक और उनके सभी अधिकारी और कर्मियों को भी, जिन्होंने तत्परता के साथ डीबीटी के माध्यम से इस भरण पोषण भत्ते को उन तक पहुंचाने की व्यवस्था वे कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें भी धन्यवाद देता हूं। और अपेक्षा करता हूं कि सभी संबंधित विभाग समयबद्ध ढंग से, क्योंकि इस समय सभी कार्य कोरोना वायरस के कारण सोशल डिस्टेंस को रखते हुए होम क्वारंटाइन की दृष्टि से और इस संक्रामक को रोकने के लिए तात्कालिक रूप से कदम उठाए जा रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से लोगों के कार्य के उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें हुई हैं। इसके लिए तत्काल रूप से सभी विभाग समयबद्ध ढंग से उन लोगों तक, जरूरतमंदों तक इस सुविधा को पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। हम लोगों ने जिलाधिकारियों को जनपद के अंदर इस बात के लिए अधिकृत किया है कि जो भी लोग इससे वंचित रह जाएंगे, जो किसी भी योजना से आच्छादित नहीं लेकिन उनके पास कोई भी कमाने की का कोई जरिया नहीं है, उनके आय के स्रोत बंद हो चुके हैं, उन्हें भी तत्काल रूप से वे चिन्हित करते हुए ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में भी ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए 1,000 रुपये के भत्ते की व्यवस्था हर जनपद स्तर पर वे लोग कर लें। पर्याप्त राशि धनराशि इसके लिए प्रत्येक जनपद को उपलब्ध कराई जा चुकी है।